नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का चैनल में मैं आपको सोर्बेलिन सिरप के बारे में बता जा रहा हूँ। सोर्बेलिन सिरप क्या है, इसको हम क्यों खाते हैं और ये खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, ये सब के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो सोर्बेलिन सिरप है, ये एक डॉक्टर हमको प्रेस्क्राइब करती है, मेनली लीवर के प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इस जो सोर्बेलिन सिरप है, इसमें आपका ये बना हुआ होता है दो चीज से, एक है ट्राइकोलिन साइट्रेट और एक है सोर्बिटोल। तो ये जो ट्राइकोलिन साइट्रेट है, ये एक लीवर प्रोटेक्टिव एंजाइम के तरफ काम करता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो बॉडी में है जो एक्सेस जो फैट्स है या कोलेस्ट्रोल है, उसको मोबिलाइज करता है। तो वो क्या करता है, हमारे लीवर में जो चर्बी जमा हुआ रहता है उसको बाइल पिगमेंट के थ्रू मोबिलाइज करता है। तो क्या होता है, लीवर से चर्बी ज्यादा निकल जाता है। तो इसलिए क्या होता है, तो जिस किसी भी आदमी का फैटी लीवर का प्रॉब्लम है या किसी का भी जॉन्डिस है या कुछ भी लीवर का कुछ भी तकलीफ है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो क्या करता है, ज्यादा फैट मोबिलाइज होने के लिए उसका वो क्या करता है, लीवर का जो थोड़ा लीवर क्लीन करने में हेल्प करता है। और इसका और एक चीज है इसमें है सोर्बिटोल। तो सोर्बिटोल क्या करता है, सोर्बिटोल जो है वो हमारा जो मतलब लेक्टिन है उसको वो ढीला करने में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, सोर्बिटोल जो है जो एक्सेस अमाउंट ऑफ उसमें जो क्या था, सोर्बिटोल लेने के बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ जो पानी है वो हमारा बॉडी से क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर में घुस रहा है। तो घुसने से क्या होता है, हमारा जो स्टूल है जो लेक्टिन है वो नरम होता है। तो नरम होने से क्या होगा, तो आपका जो कब्ज है या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो लेक्टिन तो क्लियर हो जाता है। तो लेक्टिन क्लियर होने से क्या होता है, अगर किसी का बॉडी में बिलीरुबिन हाई है या किसी का मतलब वो सब प्रॉब्लम है, तो बिलीरुबिन जितना लेक्टिन के साथ निकल जाता है तो उसमें से भी क्या होता है, बॉडी से वो इम्प्यूरिटीज निकल जाता है। तो ऐसे ही हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है। मेनली ये दोनों चीजें है, ये दोनों चीज जब एक साथ में काम करता है तो एज ए लीवर प्रोटेक्टिव हिसाब से काम करता है। और साथ में क्या करता है, भूख भी लगाता है और वो जो लीवर का जो उसका भी वो दूर करता है। तो अभी मैं इसको आपको बताने के जा रहा हूँ, ये जो मेडिसिन है ये मेनली किस लिए यूज किया जाता है। तो ये जो मेडिसिन है, तो ये यूज किया जाता है कुछ भी हेपाटोबिलियरी डिस्टर्बेंस जैसा लिखा हुआ है, मतलब जो आपका लीवर का या आपका बाइल का कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेनली यूज किया जाता है। उसके बाद में और एक काम है, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। फंक्शनल डिस्टर्बेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट मतलब आपका मतलब जो खाद्य नाली बोलता है ना हम लोग, तो उसका जो कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या कुछ भी हजम नहीं होता है, भूख नहीं लगता है, ऐसा कुछ चीज है, तो उसको दूर करने में ये हेल्प करता है। और एक चीज है इसमें, कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है, मतलब कब्ज का प्रॉब्लम होने। और एक हाइपर लिपेमिया, मतलब आपका शरीर में अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मतलब फैट्स ज्यादा है, आप ज्यादा मोटा प्रॉब्लम है, तो ये करता क्या करता है, लीवर से आपका वो जो चर्बी है उसको मोबिलाइज करता है, मोबिलाइज करके घटाने में थोड़ा हेल्प करता है ये। और भी इसके साथ में और एक प्रॉब्लम है, और हेपाटोमेगाली में भी हेल्प करता है। अगर किसी का लीवर का साइज बढ़ा हुआ है तो लीवर का साइज बढ़ जाता है, अगर किसी आदमी चर्बी ज्यादा है उसके शरीर में या कोई भी दारू ज्यादा खाता है, तो पहले स्टेज में क्या होता है, उसका लीवर का साइज बढ़ जाता है, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये ऐसे ही दवाई है। तो और दूसरा भी चीज से आप यूज करता है, जैसे कभी भी किसी को भूख भी नहीं लगता है या किसी का आपका एकदम खाने में मन नहीं लगता है, खाना खाने से भी आपका हजम नहीं होता, तो इस सब में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये इस चीज में आपको मतलब इसका साइड इफेक्ट अभी किया गया है, तो ये मेडिसिन का जनरली इतना ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है होता है, लेकिन इसका मेनली एक साइड इफेक्ट, अगर इसको आप ज्यादा अमाउंट में लेता है तो क्या होता है, आपका थोड़ा लेक्टिन जो है बहुत पतला हो जाता है, थोड़ा ढीला होता है, तो इसके लिए थोड़ा डायरिया जैसा एक डिसेंट्री जैसा एक प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन वो भी 2-3 घंटा के बाद चला जाता है, एक दो स्टूल पास करने के बाद में वो प्रॉब्लम कम हो जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट या कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है मेनली, अगर किसी को डायबिटीज है तो ये आप मेडिसिन यूज मत कीजिए, क्योंकि ये शुगर फ्री नहीं है, तो इसीलिए आप ये मेडिसिन यूज नहीं कर सकते। और अगर किसी का प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन लेना नहीं चाहिए। और किसी को भी प्रेगनेंसी में अगर यूज करना है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, उसका बाद में यूज कीजिएगा। और तो मैं लास्ट में बताने वाला, अगर आपको किसी के डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब किया ये मेडिसिन, तो आपको ये वीडियो क्या करेगा, आपको इसमें इस मेडिसिन के बारे में आपको जानने के लिए हेल्प करेगा। तो आप लोग अगर मेरा इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट में जानाइए। और अगर कुछ भी आपको कुछ इंक्वायरी करना है इस प्रोडक्ट को लेकर, तो आप लोग मुझे इस कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।